In this video, we will teach about boundary fill algorithm. तो boundary fill algorithm क्या होता है and ये कैसे काम करता है, ठीक है? तो हमें ये देखना है. तो boundary fill algorithm एक filling algorithm है, ठीक है, जब जिससे हम कोई भी region का boundary को पहले identify कर लेते हैं, उसके बाद उसको fill करते हैं, ठीक है? तब उसकी एक region है और एक polygon, इसको हम फिल करेंगे. तो सबसे पहले इसका बाउंड्री जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, जो क्या उसका बाउंड्री है, ठीक है, और किस टाइप का है और किस कलर का है. ओके, उसके बाद उसका मिडिल में एक पॉइंट लेके उस पॉइंट से हम धीरे धीरे जाते जाते टोटल पॉलीगॉन को फिल करेंगे. ओके, यह बाउंड्री फिल एल्गोरिदम यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, तो आप चाहे तो मैंने नोट ले सकते हैं. और ये बाउंडेड फील्ड एल्गोरिदम मेनली टू टाइप होते हैं, मतलब बाउंड्री फील्ड एल्गोरिदम को हम टू टाइप से फील कर सकते हैं. वन इज फोर कनेक्टेड एंड अदर एट कनेक्टेड. ओके, फोर कनेक्टेड मतलब क्या होता है? फोर कनेक्टेड मतलब ये होता है, सपोज कि हमने एक पिक्सेल लिया है, उसके साइड में फोर पिक्सल लेंगे, ठीक है, ए फोर कनेक्टेड, तो ऐसे फिलअप होगा, ठीक है. उसके बाद इधर इधर इधर, ठीक है, उसके बाद इधर 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 इधर, तो फोर कनेक्टेड ऐसे होता है. ये हमारा फोर कनेक्टेड पिक्सल, ठीक है. और नेक्स्ट देखेंगे कि एट कनेक्टेड पिक्सल वो क्या होता है. तो एट कनेक्टेड पिक्सल लाइक फोर कनेक्टेड पिक्सल, यहाँ पर जो हमने एक पिक्सेल के साइड में फोर पिक्सेल लिया, यहाँ पर एट पिक्सेल लेंगे लेंगे, ठीक है. तो एट कनेक्टेड पिक्सेल जैसे कि एक दो, उसके साइड में चार होगा और इधर भी चार होगा. तो ऐसे अगर फिलअप किया तो फोर कनेक्टेड से जल्दी फिलअप हो जाएगा, ठीक है. ये है एट कनेक्टेड एंड ये है फोर कनेक्टेड. तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम क्या है? बाउंड्री फिल एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है जिससे हम कोई भी पॉलीगॉन को फिल कर सकते हैं, ठीक है. तो पहले उसका बाउंड्री कलर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको उसके बाद हम पॉलीगॉन को फिल करते हैं, ठीक है. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एल्गोरिदम, ठीक है. यह इसका एल्गोरिदम. ओके, स्टेप वन, स्टेप वन में हम क्या करते हैं? स्टेप वन में हम करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो पॉलीगन है उसका बाउंड्री को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है. यह बाउंड्री, उसका बाउंड्री को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड उसको कौन सा कलर से फिल करना है ये हम आइडेंटिफाई और ये हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है. सो इनिशियलाइज बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन एंड वेरिएबल फिल विथ कलर. ओके, स्टेप टू, स्टेप टू में हम क्या करते हैं? स्टेप टू में हम करते हैं कि स्टेप वन में हम बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, एंड स्टेप टू में उस बाउंड्री को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मिडिल में एक पॉइंट को हम देखते हैं, ठीक है, और हम निकलते हैं. उस पॉइंट के थ्रू हम टोटल पॉलीगॉन को फिलअप करते. तो स्टेप टू में क्या होगा? स्टेप टू में होगा गेट द इंटीरियर कलर एक्स वाई. तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है. तो स्टेप वन में हम बाउंड्री को इनिशियलाइज करते हैं एंड कौन सा कलर से करना होगा इसको, एंड स्टेप टू में हमें एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना होता है टोटल इन पॉलीगॉन. ओके, एंड स्टेप थ्री ये है वाइटल कंडीशन, ठीक है. सो हम जो फिलअप करेंगे वो कैसे फिलअप करेंगे? पहले तो बाउंड्री को डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद एक पॉइंट को भी कर लिया. तो हम देखेंगे कि इफ करेंट कलर, करेंट कलर मतलब क्या होता है? करेंट कलर मतलब आपका पॉलीगॉन में पहले से जो कलर प्रेजेंट है वो है करेंट कलर. एंड बाउंड्री, बाउंड्री मतलब ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री का कौन सा कलर है, ठीक है. तो देखेंगे हमारा जो प्रीवियस कलर है वो अगर बाउंड्री कलर से
ना मैच करता है, मतलब करेंट कलर नॉट इक्वल टू बाउंड्री कलर एंड करेंट कलर नॉट इक्वल टू फिल, इसका मतलब क्या है? अगर आपका करेंट कलर आपका फिल कलर नहीं हुआ, देखिए करंट कलर मीनिंग होता है जो आपका प्रीवियस कलर होता है, बाउंड्री कलर फॉर बाउंड्री कलर, एंड फिल कलर मतलब आपने जो फिल किया है न्यू कलर वो होता है, मतलब ए न्यू कलर, न्यू कलर जो आप फिल करना चाहते हैं। ओके, तो इफ करेंट कलर बाउंड्री कलर से मैच नहीं करता एंड नॉट इक्वल टू फिल कलर, देन हम क्या करेंगे, हम पॉलीगॉन को फिल करेंगे एक नया कलर से, सही ना? तो देन बाउंड्री फिल एक्स प्लस वाई, हम एक्स प्लस वन वाई फिल बाउंड्री, मतलब क्या, मैंने ए लिया है फॉर फोर कनेक्टेड, ठीक है, इस एल्गोरिदम फॉर फोर कनेक्टेड पिक्सल, ठीक है, अगर एट कनेक्टेड पिक्सल होता तो क्या होता, तो सेम होता, जस्ट कुछ और स्टेप होता। ओके, स्टेप वन एंड स्टेप टू सेम होता, बट यहाँ पर कुछ और होता, वो आप वीडियो के बाद खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो फोर कनेक्टेड में क्या होता है, पहले ए हमारा इंटीरियर कलर है जिसको हम पॉइंट के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका ऊपर का क्या है, तो बाउंड्री फिल पहले इसको फिलअप करेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वन पहले इसको फिलअप कर लेंगे, मतलब एक्स प्लस वन, उसके बाद इसको फिलअप करना है, उसके बाद इसको, इसके बाद इसको, तो बाउंड्री फिल एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वन वाई फिल बाउंड्री, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को देखें कि इस पिक्सेल हमारा करेंट कलर जो है इसका ए बाउंड्री कलर से मैच नहीं होता एंड ए फील कलर से भी मैच नहीं होता, तो हम इसको फील कर देंगे जो हमारा फील कलर है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स माइनस वन बाउंड्री फील एक्स माइनस वन वाई फील, मतलब ए कलर, ठीक है। अगेन इसको हम चेक करेंगे, अगर ए बाउंड्री कलर से सेम हुआ तो हम इसको फील नहीं करेंगे, अगर बाउंड्री कलर से सेम नहीं हुआ तो फील करेंगे, एंड और एक कंडीशन अगर फील ना हुआ तो फील करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक्स वाई प्लस वन, ओके, देन एक्स वाई माइनस वन, ओके ओके। सपोज कि अब ए वाला हमको फिलअप करना है, ठीक है, अब ए तो नॉट फिल है, ठीक है, तो इसको हम फिलअप तो कर लेंगे जैसे कि, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, करंट कलर जो है ए बाउंड्री नहीं है, अगर सोचिए आपका बाउंड्री ए है तो ए बाउंड्री नहीं है एंड ए आपका फील कलर भी नहीं है, तो इसको हम फील कर देंगे, ए भी सही है, ए आपका बाउंड्री भी नहीं है एंड ऑल्सो फील कलर भी नहीं है, तो इसको भी हम फील कर देंगे, ठीक है, एंड इसको हम देखेंगे, तो इसको देखेंगे तो ए भी कर देंगे, ए भी कर देंगे, ओके। तो अगर इस पोजीशन में आए ए आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हम करते हैं, करेंट नॉट इक्वल टू बाउंड्री, ओके, ए तो सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट ए जो होता है ए सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि आपका जो पिक्सेल है ऑलरेडी फिलअप है, तो इसके बाद हम और फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए होता है बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, जस्ट हमें याद रखना है ये जो एल्गोरिदम है, ये पहले बाउंड्री को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद एक मिडिल वे इंटीरियर पॉइंट को सिलेक्ट करता है, उस इंटीरियर पॉइंट के थ्रू फिलअप करते करते आगे बढ़ता है, ठीक है, टोटल पॉलीगॉन को फिलअप कर लेता है, ओके। एंड बाउंड्री फिल एल्गोरिदम दो टाइप होते हैं, मतलब दो तरीके से हम उसको फिलअप कर सकते हैं, वन फोर कनेक्टेड पिक्सल एंड अदर इज एट कनेक्टेड पिक्सल, ओके। तो फोर कनेक्टेड पिक्सल ऐसे होता है, एट कनेक्टेड पिक्सल ऐसे होता है। अब उसका एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम में स्टेप वन में क्या करते हैं हम, जस्ट एक बार देख लीजिए
स्टेट वन में हम उसके बाउंड्री को फिल करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिल करते हैं। स्टेप टू में उसका मिडिल में एक पॉइंट लेते हैं। स्टेप थ्री में उस मिडिल का पॉइंट के थ्रू हम टोटल पॉलीगॉन को फिलअप करते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे फिलअप करते रहेंगे कब तक, जब तक हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा ये दोनों, मतलब ऐसे फिलअप करते रहेंगे जब तक हमारा टोटल पॉलीगॉन फिलअप हो जाएगा हमारा बाउंड्री कलर से, हमारा कांट कलर मैच नहीं होता तब तक फिलअप करेंगे, ठीक है। अगर इस टोटल पॉलीगॉन फिलअप हो गया उसके बाद हम और फिलअप नहीं करेंगे, ओके। देन एग्जिट, ये है एक बाउंड्री फिल एल्गोरिदम का एल्गोरिदम एंड व्हाट इज बाउंड्री फिल एल्गोरिदम। थैंक यू।